नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, इस समय सिरसा में हैं हम लोग, और किसान आंदोलन के चलते किसानों ने अभी सिटी थाना के आगे धरना दिया हुआ है सिरसा के अंदर, और दोनों तरफ की जो रोड है वो जाम कर दी गई है, बंद कर दी गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं, और अभी इनसे बातचीत चल रही है, पुलिस से बातचीत चल रही है अंदर। और भाजपा का जो कैंडीडेट आ प्रदीप रातू सरिया या होर जिन्हें भी सके और सारे इकट्ठे होकर साडे भरा ते साडे भरावां ते हमला किया, पर हमला करके उन्होंने भन तोड़ की, जानलेवा हमला उन्होंने किया। असी पुलिस प्रशासन अगे रिक्वेस्ट की, असी एप्लीकेशन दिती कि साढ़े ते जानलेवा हमला होया है, ते उन्हां ते मुकदमा दर्ज किया जाए। साडी एप्लीकेशन नूं कूड़ेदान चे डब्बे दे विच सिटण दा काम इत्थों दे SP ते DSP ते SHO ने किया, साडी कोई गल नहीं सुनी। ये लोकतंत्र नूं छिक्के टंगण दा काम भाजपा ते भाजपा दे गुंडे, ते तीसरा ओह जिहड़ा पुलिस प्रशासन कर रहा, लोकतंत्र दे जिहड़े राखे सीगे ओह अज लोकतंत्र दे हथियारे बनण दा काम सिरसा पुलिस प्रशासन बन रहा। सर, किन्ने वजे ये कारा, किन्ने वजे? ये लगभग जी साडा जिहड़ा टॉल फ्री काम जिहड़ा असीं टॉल फ्री कीते, साडियां नैशनल जथेबंदियां जिहड़ियां हैगियां देश व्यापी जिहड़े धरने ते बैठे उत्थे साडे नेतियां दे साडे जिहड़े सी अपील सीगी कि जिहड़े आह्वान होया कि जिहड़े सारे टॉल प्लाजा हैगे आ उहनां नूं जिहड़ा पर्ची मुक्त कीता जावे। असीं उस मुहिम दे विच खुईआं मलकाना ते बहादुर टॉल प्लाजा ते बड़ा शांतिमय प्रदर्शन कर रहे सीगे, पर होया कि साडे दोस्त साडे मित्र साडे भरा वार्ड नंबर 29 ते जदों आए ते लगभग 3 बजे की गल है, 3:30 बजे सानूं फोन आने शुरू हो गए कि भाजपा के जिहड़े गुंडे आ उन्होंने साडे ते हमला करता। उस तो उपरंत साडे भरावां नूं पुलिस ने अंदर डकिया, उन्हां दी कोई गल नहीं सुनी। आखिरकार सानू टोल प्लाजे तो उठ के वतीरां कट के सानू इत्थे आना पिया, ते उस तो बाद दे विच पुलिस प्रशासन ने SP नू बुलाया, DSP दो इत्थों दे DSP डब वाली ते DSP जिहड़े हैगे सरसा वो आए, साडी गल सुनी, पर साडी उन्होंने गल नहीं मन्नी। उन्होंने ये गल कहती कि असी मजबूर हाँ, साडे ते इत्थों तक कि ओफेंस मनण तो उन्होंने ना करते किसी ते जानलेवा ज किसी की जान की राखी करने वाला पुरश पुलिस प्रशासन है। भाजपा के गुंडियां नूं ये परमिशन दे रहा एक तरह की कि तुसी किसी ते भी हमला कर सकते हो। लोकतंत्र का घाण करन दा काम सरसा पुलिस BJP ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ SP ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ FIR ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹੀ SP ਮਸੀਤਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ SP ਮਸੀਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20-25 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ BJP ਦੇ ਨੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੀ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿ 120B ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
सर जेड़ा तुसी कह रहे हो कि बीजेपी के लीडर्स ने हमला किया किसानों पर या जो लोग उन्होंने कहन गए थे उन्होंने हमला किया कि उस चीज़ का कोई वीडियो कोई प्रूफ बिल्कुल तुसी देख सकते हो ताडे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे मेरे जेड़े जाग दियां जमीरां वाले आ उन्होंने बहुत सारे ने आपदियां जेड़ियां यूट्यूब ते पा रखी है जे असीं गलत हां साडे ते मुकदमा करो इस टाइम की मांग है बेसिकली इस टाइम मांग ते ब्रदर यही आ कि जेड़े दोषी आ जे असीं दोषी आ सानू अंदर टंग तो कोई दिक्कत नहीं पर कम से कम जरा लोकतंत्र जो कहता है ऑफेंस नू ऑफेंस ते कहो ते आ जिद्दां तुसी देख रहे हो बाहर की एड़े सारे लोग की बैठे हैं 300-400 लोग की आ चुके हैं एक कुछ नहीं अगर पुलिस नहीं कार्रवाई कर दी तक तोड़ी अगे दी रणनीति की होगी जिद्दां असीं पंजाब चे बैठे सी जिद्दां असीं हरियाणे चे बैठे सी तादाद थोड़ी सी जुल्म कीते ते पंजाब तो तुरना पिया ना सानू कट्ठे होके दिल्ली पहुंचे है ना ये खटारा सरकार तो उदन भी कहती सी नहीं पहुँचण देंगे दिल्ली पहुँचे ना ये हुण कहते मुकदमा नहीं दर्ज करते ये गुरु गोबिंद सिंह दे वारस आ ये भगत सिंह दे वारस आ ये जनरल डायर 1919 दे विच तशद्दद कर रहा सी एक जनरल डायर 2020 च तशद्दद करन वास्ते नरेंद्र मोदी ते खट रहे आ असी ये जुल्म सहन नू तैयार आ असी डांगा खाण नू तैयार आ अथरू गैस दे कोले आपदे जिहड़ियां अखां दे आंसू बहाड़ांगे डांगा खा लांगे असी चाहे गोलियां मार देण पर असी पिछे नहीं हटांगे मुकदमे दर्ज होणगे इस तों बिना नहीं पिछे हटांगे अधिक लोग इस समय एकत्र हैं और सभी लोग जो है उसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर जो अभी दिक्कत हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत की थी और लड़ाई झगड़ा भी किया था और उसी को लेकर के आज ये मतलब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में किसान यहाँ पर हैं देख सकते हैं आप बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान धरने पर बैठे हैं काफ़ी दूर तक दोनों तरफ से जो है रास्ते रोके हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है किसान इसकी सुनवाई जो पुलिस द्वारा सुनवाई की जाए लेकिन अभी लगता नहीं है पुलिस के द्वारा कि यहाँ कोई सुनवाई की जाएगी और इसी लिए यहाँ पर ये किसान जो है एकत्र हैं और साढ़े ते फतेहा आदमी इन्होंने पर्चे दर्ज किए अज कहते भी इनकुआरी करके असं परचे दर्ज करा कभी भी परचा दर्ज होने तो बाद इनकुआरियां होंदिया जाएगी ना कि इनकुआरियां करके परचे दर्ज किए जाते